नमामि श्रीरामचन्द्रचरणं शरणं प्रपद्ये मातारामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, दर्शन कीजिए भगवान श्री राम का, जो कि राघव स्वरूप में इस वक्त आपके समक्ष सभी को दर्शन दे रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, राघव रूप में माँ कौशल्या के राघव, वही नाम जो माँ कौशल्या ने उन्हें दिया, उसी राघव को आप इस वक्त आप 5 वर्ष के बाल रूप में इस वक्त देख रहे हैं। अद्भुत छवि निश्चित तौर से, और इन्हीं को वर्णित किया गया है कि नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीट मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भक्तवत्सल के सामने भाव विवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जलांजलि अर्पित कर रहे हैं समूचे राष्ट्र की ओर से, और निश्चित तौर से इसी क्षण का इंतजार शताब्दियों से समूचे राष्ट्र को था, समूचे विश्व मानवता को था। जय राम रमा रमणम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। निश्चित तौर से समूचे राष्ट्र की समेकित शक्ति का, समूचे सनातन संस्कृति का आज अभ्युदय का दिन है, और कहा गया है कि तन की शक्ति हृदय की श्रद्धा आत्म तेज की धारा आज जगा है जग जननी का सोया भाग्य सितारा। कोटि पुष्प चढ़ रहे देव को शुभ चरणों पर, कोटि चरण पढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। और निश्चित तौर से ये ध्येय है समूचे विश्व कल्याण का, ये ध्येय है जगत गुरु भारत का, ये ध्येय है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, समर्थ भारत का, सशक्त भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, आत्माभिमानी भारत का, स्वस्थ भारत का, स्वच्छ भारत का, सुंदर भारत का, विकसित भारत का, और अंततः जगत गुरु भारत का। और जगत गुरु संस्कृति के प्रणेता विश्व में मर्यादा को प्रतिष्ठित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विश्व के लिए अभूतपूर्व निधि है, क्योंकि हमारी ही संस्कृति समता की बात करती है, और हमारी ही संस्कृति में राज्य राम राम राज्य की जो संकल्पना है वो आज भी समूचे विश्व के लिए अनुकरणीय है, वंदनीय है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि परब्रह्म परमात्मा आपको दर्शन दे रहे हैं बाल रूप में, और यहाँ पर परब्रह्म कई रूपों में दर्शन दे रहे हैं। माँ सरयू के रूप में वो जलाकार ब्रह्म के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। अयोध्या धाम के रूप में जो कि स्वयं परब्रह्म का ही स्वरूप है वो इस धरा धाम के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। इसके बाद आप नित्यावतार जो संत स्वरूप माने जाते हैं उन स्वरूप में भी भगवान लगातार अपने दर्शनों के लिए भक्तों को कृतार्थ करते रहते हैं। और अब आप देखिए प्राण प्रतिष्ठित भगवान श्री राम इस वक्त 51 इंच की ये जो कृष्ण मूर्ति, कृष्ण मूर्ति की मूर्ति आपके समक्ष इस वक्त जो प्रतिष्ठित हो चुकी है भगवान श्री राम लोकाभिराम इस वक्त मन मोह लेते हैं। और जिस तरह से लगातार पूरे प्रांगण में अयोध्या धाम में जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है इस वक्त सिर्फ एक ही भुज में रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम इस वक्त गर्भ में माँ गंगा विराजमान है, तुलसी विराजमान है, शालिग्राम भगवान स्वयं जो दामोदर कुंड से आए हैं वो विराजमान है, और ये सुंदर मेघ श्याम वही भगवान श्री राम जब रघुवंश के पति होते हैं तो रघुपति होते हैं।
जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता है वो राजा राम होते हैं, जब वो अहिल्या माँ का उद्धार करते हैं तो वो होते हैं पतित पावन, और जब मिथिला जनकपुर धाम में जाकर मैया सीता के साथ विवाह संस्कार करते हैं तो हो जाते हैं सीताराम। लेकिन भगवान आज न रघुपति हैं, न राजा राम हैं, न पतित पावन हैं, न सीताराम हैं, वो सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। आज पौष के शुक्ल द्वादशी के पावन दिवस पर जब भगवान श्री राम पधारे हैं, प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं, तो माँ कौशल्या अत्यंत प्रसन्न होंगी। भगवान सूर्य जिनके वंश में भगवान श्री राम ने जन्म लिया, इस वक्त जो प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं भगवान श्री सूर्य भास्कर की किरणें, नौमी के दिन भगवान के मस्तक को चूमेंगी, ऐसी प्रतिष्ठा की गई है इस मंदिर की। आप समझिए कि इस वक्त भगवान शिव नृत्य कर रहे होंगे। मैं इस वक्त जो मन में मेरे भाव आ रहा है कि इस वक्त त्रिलोकी इस वक्त विवल नजर आ रही होगी, स्वर्ग लोग इस वक्त मृदंग का वादन कर रहे होंगे, देवता इस वक्त नृत्य कर रहे होंगे, हनुमान लला हनुमंत लाल इस वक्त नाच नाच के श्री राम जय जय राम जय जय राम।